सो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस समय हम कूरे भार से धनपतगंज और धनपतगंज से कूरे भार वाले रोड पे हैं, जो कि ये हलियापुर के लिए भी जाता है। इस सड़क का नाम है MDR66, जो कि आप कूरे भार से हलियापुर जाएंगे तो आपको 21 या 26 किलोमीटर के आसपास में पड़ेगा। अगर आप हलियापुर से फैजाबाद जाते हैं NH 330 के माध्यम से, तो आपको वहाँ से 49 किलोमीटर के आसपास में पड़ेगा, और रायबरेली जाते हैं तो आपको 96 किलोमीटर पड़ेगा। दोस्तों, इस समय हम लोग चल रहे हैं कूरे भार, तो कूरे भार यहाँ धनपतगंज से 7 किलोमीटर के आसपास में है, और ये सामने आप देखेंगे तो रेलवे क्रॉसिंग भी है, यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा। और जिस लोकेशन से वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं फूलपुर, और देख सकते हैं आप धनपतगंज से सीधे आएंगे तो आपको कूरे भार, हलियापुर से अगर आएंगे तब भी आप सीधे आएंगे तो कूरे भार, और ये लाइन आप देख सकते हैं फैजाबाद और इलाहाबाद जाने की रूट है, जो कि आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। और यहाँ पर एक नई दुकान खुल गई है दोस्तों, आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं कोई भी सामान। कूरे भार बाज़ार यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं। तो यहीं से अच्छा खासा मार्केट भी आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक दुकान मिल जाएगा आपको। अगर कूरे भार आते हैं तो बड़ी बड़ी मॉल भी मिलती हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 200 मीटर है, जो कि कूरे भार रोड पर जाने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अयोध्या, बरौसा और सुल्तानपुर के लिए है। अयोध्या यहाँ से आप जाएंगे तो 41 किलोमीटर पड़ेगा, और सुल्तानपुर जाएंगे तो आपको 15 किलोमीटर के आसपास में पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे अगर सीधे चले जाएंगे तो आपको डायरेक्ट ही हलियापुर, फूलपुर, ये सब होते हुए डायरेक्ट आप कूरे भार आएंगे। कूरे भार होके इरूल, और यहाँ से आप देख सकते हैं सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और दोस्तों, ये फैजाबाद रोड है, फैजाबाद इलाहाबाद रोड, और हम लोग सीधे चल रहे हैं तो कूड़े भार मार्केट से सीधे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी मार्केट भी है, और काफ़ी खूबसूरत लगेगी आपको। तो वीडियो को आनंद लें दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आया। तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को